इतनी बर्फ जम गई, हैंडल तक पे बर्फ जम गई है। तो जी हम पहुंच गए लाचुंगला पास। ये कवर कर दिया था पूरा, तो इस पे बर्फ जमी हुई है। हम बिल्कुल नीले पड़ गए थे, इतनी ज़्यादा ठंड थी बाइक चलाने में। वॉशरूम की सबसे बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे जाना पड़ता है। जो ये आप देख रहे हैं, ये सामने खाई में कार गिरी हुई है। एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग है, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग। कैसे बना होगा ये सब? यहाँ तो भाई बर्फ जमी पड़ी है। देखो भाई, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अक्टूबर में जो है मनाली और लेह हाईवे का भी मत लीजिए। तो अभी मैं हूँ विस्की नाला, काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। बाइक को रात को जो है हमने कवर, ये देखिए ये कवर कर दिया था पूरा, तो इस पे बर्फ़ जमी हुई है, लिटरली बर्फ़ जमी हुई है। देखिए अभी धूप निकली हुई है, अभी टाइम है सुबह के 7:30, अब जाके धूप निकली है और सारी जो है ये बर्फ़ जम गई, हैंडल तक पे बर्फ़ जम गई है। रात को बहुत ज़्यादा ठंड थी, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अकेला ही बाइकर था, दूर दूर तक कोई और बाइकर नहीं था। तो कह रहे हैं कि लेह में इतनी ठंड नहीं है जितनी ठंड यहाँ पे पड़ती है इसकी नाला में। तो अभी भी सुबह भी इतनी ठंड थी। वॉशरूम की सबसे बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे जाना पड़ता है, जो ये आप देख रहे हैं ना, जाना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, कभी गया नहीं मैं ऐसे। और आसपास का व्यू दिखाता हूँ आपको, दूर दूर तक बस बंजर ही बंजर है। उसके बीच में ये लोग बैठे हैं और मान की तरह ये रात को मिले मेरे से। बाइक रोकी मैंने और सीधा मैं अंदर हाथ सेकने भाग गया, बिना अपना सामान उतारे। और मेरा जो अंगूठे हैं, ये वाले अंगूठे थंब, बिल्कुल नीले पड़ गए थे। इतनी ज़्यादा ठंड थी बाइक चलाने में, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल जम गए थे। मैंने लिटरली खोल के देखा जब अपने ग्लव्स, बिल्कुल नीले पड़े हुए थे। पर ठीक है, रात को ट्रैवल नहीं करना, कुछ भी हो जाए रात को ट्रैवल नहीं कर रहा। इस मौसम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे। जब मैं जिस रास्ते से आ रहा था वहाँ पे ट्रक भी पलटा हुआ था रात को। थोड़ी हिम्मत बना के रखनी होती है, ऐसा नहीं होता कि आप हिम्मत हार जाओ, थोड़ी हिम्मत बना के रखो, हो जाता है पार। चलिए अब आगे हम निकलेंगे ले के लिए। ले यहाँ से 210 किलोमीटर, 220 किलोमीटर है शायद, 5 घंटे हमें लगेंगे। पांग है आगे, वहाँ पे थोड़ा रास्ता ख़राब है, उसके आगे पूरा रास्ता क्लियर है। तो जी लो निकल पड़े हैं हम अपने सफ़र पे। बहुत सांस चढ़ जाती है यहाँ पे, थोड़ा सा भी कुछ करो। मैंने हेलमेट पहना और बाइक पे बैठा, बाइक पीछे करी, थोड़ी सी मेहनत से ही इतने सांस फूल गई मेरी। और रास्ता पांग तक ऐसे ही है ख़राब, उसके आगे आएगा बढ़िया रास्ता। तो जी हम पहुंच गए लाचुंगला पास। एल्टीट्यूड है जी 16,616 फिट। हो बहुत ठंड, बहुत ठंड, हालत ख़राब हुई पड़ी है। हाँ फटाफट यहाँ से निकलते हैं, देखिए बर्फ़ जमी पड़ी है। बिल्कुल ड्राई वेदर है, बिल्कुल कोल्ड डेजर्ट जिसे कहते हैं ना, एक्सट्रीम कोल्ड डेजर्ट, वही है ये। बिल्कुल ना ऑक्सीजन है हवा में, ना मॉइस्चर है हवा में, बिल्कुल सूखी हवाएं चल रही हैं और हालत ख़राब कर रही है। ये देखिए सामने खाई में कार गिरी हुई है, पता नहीं आपको दिख रही है या नहीं, मेरे को तो साफ दिख रही है। ये देखिए मतलब ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है। पीछे जो है मेरे को एक ट्रक गिरा मिला था ऐसी खाई में, और यहाँ एक कार गिरी हुई दिख रही है। और पत्थर फिसलते हैं, देखिए कई से भी पत्थर फिसलते हैं धीरे 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 धीरे। कोल्ड डेजर्ट है एक तो, और ऊपर से ये रेत रेत वाले पत्थर हैं साथ में। कुछ नहीं पता कब कोई पत्थर आ जाए और आपको साथ ले जाए। 45 मिनट से ऊपर हो गए मेरे को, इसी रास्ते पे चला रहा हूँ मैं ऐसे ही, और हाथ एकदम जम चुके हैं लिटरली। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हाथ जम चुके हैं। जो मेरे रात को हाथ जमे थे ना, सेम वही हाल है मेरा। दो दो ग्लव्स पहन रखे मैंने, डबल लेयर, और बिल्कुल हाथ जम चुके हैं। आने वाले टाइम में मेरे को लगता है यहाँ पे सारा, देखो रास्ता बना रहे हैं, ये साइड में बना रहे हैं, आने वाले टाइम में
ये एडवेंचर बचेगा नहीं यहाँ पे, ये सब खत्म हो जाएगा और रोड्स बन जाएगी टोटली। और टनल भी बना रहे हैं कह रहे हैं, पीछे बता रहे थे टनल भी बना रहे हैं जो 365 दिन खुली रहेगी, तो फिर ये एडवेंचर नहीं रह जाएगा। देखो टनल के अपने फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी है। टनल के फ़ायदे ये है कि आपका जो एसेंशियल्स हैं जो आता है ट्रक से आता है वो सब, वो डेली मतलब आ सकता है, हर बार हमेशा ओपन रहेगा तो कभी भी आ सकता है। और एडवेंचर सीकर्स के लिए दिक्कत होगी कि वो उनके लिए शायद ये रास्ता बंद कर दें। एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग है, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग, रोड जो है पूरी टूटी हुई है, बहुत बुरी हालत है रोड की। और हाथ में इतने जम चुके हैं, मैं से गोप्रो भी ऑन नहीं हो रहा, पौने घंटे से बिल्कुल अकेला चलता हूँ, पीछे शीशे में देख रहा हूँ तो कोई दूर दूर तक दिखता नहीं है। धूप तो वैसे काफ़ी निकल चुकी है पर धूप का भी कोई असर नहीं हो रहा। सुबह इतना हालत ख़राब हो गई थी, फिर सुबह मैंने चाय पी, फिर डायमोक्स खाई। डायमोक्स कैरी करना मत भूलिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है डायमोक्स कैरी करना, क्योंकि एल्टीट्यूड सिकनेस ज़रूर होगी आपको। ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना ही मत भूलिएगा। अभी जहाँ मैं रुका था तो उन्होंने भी ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पास रखे हुए थे, वही वाले जो मैं लेके आया हूँ, Oxy-99, ईजी टू यूज़ है बहुत, कभी भी जरूरत पड़ सकती है आपको। अब ज़्यादा आप चल लिए या ज़्यादा थोड़ी मेहनत कर ली, बाइक को धक्का मार लिया, एकदम आपके सांस चढ़ेगी। आपने बाइक जरा सी यहाँ से यहाँ तक पीछे भी करी ना, उसमें भी आपको एकदम सांस चढ़ जाएगी, क्योंकि आप यहाँ रहने वाले नहीं हो, आप जिस एल्टीट्यूड से आए हो ना, और यहाँ जो एल्टीट्यूड है वो जितनी ठंड है और जितनी रफ ठंड है जैसे कहते हैं, तो उसके लिए आपको मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। सिर पकड़ के बैठ गया था मैं वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके पास सिर दर्द की गोली है? मैंने कहा है। मेरे को लगा वो अपने लिए कह रहे होंगे, फिर वो कह रहे हैं आप ले लो ना फिर उसको। देखो भाई मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अक्टूबर में जो है मनाली और लेह हाईवे कभी मत लीजिए। हाईवे मेरे को डेट भी याद नहीं, इतने दिन हो गए, मतलब पाँच दिन हो गए मेरे को आए, फर्स्ट को निकला था, मेरे को नहीं पता आज क्या डेट है, मोबाइल मैंने देखा नहीं निकाल के, अभी खुद को देख लूँ भाई बहुत बड़ी बात है, मोबाइल तो बाद में निकाल के देख लूँगा, नेटवर्क यहाँ पे आते नहीं है। इस एक्सट्रीम वेदर में बहुत मुश्किल है जीना। देखिए मिट्टी के कैसे कैसे पहाड़ आ गए, एकदम से टेरेन चेंज हो गया थोड़ा सा आगे चलते ही। मिट्टी के पहाड़ों की सबसे खतरनाक बात ये होती है कि कभी भी गिरते हैं। 12 लाचला पास पे इतना धुआं खाया, अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने इतना पोल्यूशन नहीं सहा होगा जितना कल मैंने 1.5-2 घंटे में सह लिया। मतलब आपके साइड से आप साइड में खड़ा होना पड़ रहा क्योंकि ट्रक्स निकल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा वेदर ठीक है, धूप थोड़ी आ गई है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, और काफ़ी नीचे भी आ गया हूँ मैं, पर यहाँ जो पहाड़ है गजब भाई साहब, बर्फ जमी पड़ी है पहाड़ों पे, और बहुत ही सुंदर टेरेन है, पता नहीं कैसे बनी हुई है यार, ये कैसे बना होगा ये सब, इतना ऊंचा पहाड़, गर्दन भी दर्द होगी देखते देखते। यहाँ तो भाई बर्फ जमी पड़ी है और बहुत ही मुश्किल रास्ता है भाई, बनाए कैसे हैं यार रास्ते, कौन आया होगा यहाँ पे पहली बार रास्ते बनाने। भाई साहब सामने के पहाड़ देखो, धूप की वजह से आधी वीडियो तो मेरी ख़राब ही हो जा रही है, सीधा कैमरे पे आ रही होगी धूप, क्योंकि सूरज मेरे बिल्कुल सामने है। अद्भुत ही नज़ारा है, अद्भुत, जिंदगी में कभी ना भूलने वाली चीज़ है ये, आप कुछ भी भूल जाओगे पर ये जो चीज़ें हैं ना, ये पहाड़ है जो इतनी सुंदरता है यहाँ पे, वो आप कभी नहीं भूल पाओगे। बहुत ही मस्त चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखो किस शेप में बना हुआ, मतलब क्या ही शेप है। धूप आ रही है थोड़ी, दिख नहीं रहा, थोड़ा छाया में आगे दिखाता हूँ आपको, ये देखिए क्या ही शेप है, मतलब बीच में एक सर्कल है, उसमें ऐसी शेप बनी हुई है बीच में, और पहाड़ है। तो जी इतने पहाड़ चढ़ने के बाद अब आ गया प्लेन वैली, देखिए साइडों में पहाड़ है और बीच में प्लेन रोड है, सीधी रोड, मतलब आपका दिमाग बस्ट हो जाएगा कि भाई अभी तो इतने पहाड़ चढ़ रहे थे और अब इतने पहाड़ चढ़ने के बाद प्लेन वैली, गजब ही अद्भुत नेचर है भाई, अद्भुत नेचर। तो जी पदम में थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ ले की ओर, इतनी ठंडी हवा चल रही है बाइक पे कि मेरे को ये सॉक्स पहननी पड़ी, ये मैंने लद्दाखी सॉक्स खरीदी थी बहुत पहले,
आज काम आ रही है ये। हाथों में सॉक्स पहननी पड़ी, ग्लव्स तो ऐसे जमा दे रहे हैं अंदर। ये बहुत मोटी सॉक्स है, अभी इन्हीं को पहन के चलाऊंगा आगे तक। तो जी गाइस हम पहुंच गए हैं तंगलिंगला पास, होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तंगलिंगला पास। पिछले दो दिन में हमने चार चार पासिस क्रॉस कर दिए, चार चार पासिस, समझ रहे हो। ले 111 किलोमीटर है यहाँ से और एल्टीट्यूड है यहाँ का देखो 17,482 फिट। बहुत सही एल्टीट्यूड है। एक फ़ोटो करवाएं, किसी को बोले कोई भाई हमारी फ़ोटो खींच दे। भाई एक फ़ोटो ले दो क्या प्लीज़। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। तो जी फिर से स्नो स्नो दिखने लगी है तंगलिंगला पास के बाद। इन हाई एल्टीट्यूड पासिस पे ना ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए आपको, ऑक्सीजन बहुत कम होती है और बहुत जल्दी जल्दी सांस चढ़ती है, क्योंकि हम यहाँ के लोकल तो हैं नहीं जो सह लेंगे, इससे पता चलता है आप कितने अनफिट हैं। बाकी ठीक है, सांस तो मुझे भी काफ़ी चढ़ गया, बस फोटो खिंचवा के आऊँ उसी में सांस चढ़ गया। घर जाते ही भाई एक्सरसाइज शुरू करनी है सबसे पहले। तो अभी टाइम हो रहा है 12:32 और मैंने गया क्रॉस कराया, गया एक गांव आया था यहाँ पे वो क्रॉस कराया। ले यहाँ से है कुछ 75 किलोमीटर बस आने वाली डेस्टिनेशन। और पहाड़ देखो यार, एकदम से चेंज होगी, टेरेन चेंज होगी फिर से, लाल कलर के पहाड़ बिल्कुल लाल। तो पहाड़ रंग बदल रहे हैं भाई यहाँ के, यही तो यहाँ की खूबसूरती है लेह लद्दाख की। हर 20 किलोमीटर बाद नज़ारा बदल जाता है। अब चेक करो भाई, ग्रीन पहाड़, रेड और ग्रीन मिक्स हो गया अब तो पहाड़ भाई। तो जी ले रह गया सिर्फ 50 किलोमीटर। तो अभी उपसी में एक एंट्री होती है आपकी, 20 रुपए की कोई पर्ची कटती है, उसके बाद जज्बात बदल दिए, नज़ारा बदल दिया। ये देखिए नदी, इतनी ब्यूटीफुल नदी है, ग्रीन कलर का पानी आ रहा है बिल्कुल। उसके साथ में रोड चल रही है, उस पर आपको चलना है। जी वेलकम टू ले, एक होटल मिला है रास्ते में, रुकने की जगह मिली नहीं कोई ढंग की, तो मैं रास्ते में रुका नहीं, सीधा ले ही आ गया। तो एक होटल मिला है, अभी वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं कैसा होटल है, फिर वहाँ रुक के देखेंगे कि आपको बताना चाहिए कि नहीं, अच्छा है या नहीं। सीज़न ऑफ में भी होटल्स महंगे बता रहे हैं ये लोग, तो सीज़न में क्या ही हाल होता होगा, सीज़न ऑफ में ऐसे रेट्स बता रहे हैं। तो ये विंड स्क्रीन बहुत वाइब्रेट कर रही है इसकी, कोई दिक्कत आ गई लगता है इसमें। हमने कहाँ जाना है, हमने जाना है सीधा, चलो भैया काहे जाम लगा रहे हो। वो सामने अगर आपको शायद दिख रहा हो वो ले पैलेस है, छोटा सा दिख रहा है गोप्रो में, तो वैसे ले पैलेस है ब्राउन ब्राउन सा। क्या हो गया भैया, यहाँ पे भी छोटी गाड़ियाँ बहुत चलती है, जैसे देखो अल्टो है, आगे इग्निस है, उसके आगे फिर अल्टो है, तो छोटी गाड़ियाँ यहाँ पहाड़ों पे भी बहुत चलती है। देखो यहाँ भी अल्टो, अल्टो सारी अल्टो ही दिख रही है भैया, अल्टो का शोरूम खोल देते हैं यहाँ पे। हमारा होटल जी आने वाला है, बस पहुँच ही गए। तो अभी हम आए हैं लद्दाख मेन मार्केट में घूमने, अभी टाइम हुआ है 7:30 के अराउंड, और आप देख सकते हैं कि पूरी मार्केट ही ऑलमोस्ट बंद हो गई है, क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा है इस टाइम पे। देखते हैं, हमें बैग लेना था, देखते हैं मिलेगा कि नहीं, बैग बहुत इम्पोर्टेंट है कल के लिए। और अभी हमने जो नेहा जो है स्नैक्स, नेहा स्नैक्स करके रेस्टोरेंट है, वहाँ हमने रात कचौड़ी खाई, काफ़ी अच्छी रात कचौड़ी थी,
कोल्ड कॉफ़ी थोड़ी नॉर्मल थी पर रात का चूड़ी अच्छी थी।